निर्णय निकला, कुछ क्या चर्चा हुई आप लोगों? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि जनता के हित में निर्णय हो, जनता परेशान ना हो। और जो मैंने आज स्पष्ट रूप से बस वालों से यह बात रखी कि जब बस स्टैंड शुरू बनने की शुरुआत हुई थी करीब 3 साल पहले, उस समय सागर को 3 बस स्टैंड मिले। एक खुरी बस स्टैंड मिला विद्यासागर जी महाराज के नाम पर, एक राहलगा बस स्टैंड मिला भापल बस स्टैंड पर, एक मिला ये RTO ऑफिस के पास। सारे लोग खुश थे, यही बस वाले खुश थे। जब मैं बस स्टैंड गया था, विधायक जी साथ में थे, वहाँ आप लोग भी गए थे, उस समय भी इन लोगों ने सिर्फ 3 मांग रखी थी कि हमारा रोड पक्का हो जाए, हमारे लिए जगह आवंटित हो जाए और हमारे लिए कोई खिड़की वगैरह चेंज हो जाए। तीनों को मैंने कलेक्टर खड़े यहाँ कहा था, इन्होंने कहा था तीनों मांगे पूरी कर देंगे, इनको जगह दे देंगे, इनका रोड पक्का कर देंगे, इनको पानी की व्यवस्था कर देंगे, कोई असुविधा नहीं होगी। बीच में अचानक हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार की बात आ जाती है, बसों के चक्के जाम हो जाते हैं। आप देखिए, शहर में बसें निकलेंगी, शहर में हमारा शहर बहुत कंजेस्टेड हो गया है। आज शहर में तिली होते हुए, आपके तहसील होते हुए, आपके सिविलान होते हुए बसें निकल रही हैं, कभी भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। बस वाले कह रहे हैं कि हमको यहाँ से निकाल दो, चैतन्य से, गर्ल्स कॉलेज से, हमारी एक्सेलेंस स्कूल से, हमारी CMI स्कूल से, यहाँ से निकाल दो। मेरा कहना ये है सिर्फ कि ऐसी रास्ता निकालो कि ताकि भीड़ भाड़ वाले एरिया से बसें ना निकलें, एक्सीडेंट कभी भी हो सकते हैं। आज जो जनमत की बात कर रहे हैं, कल कोई एक्सीडेंट भगवान ना चाहे हो जाए, कोई हमारा छात्र एक्सीडेंट हो जाए, कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर जाए, तो यही शहर वाले बसों वालों को खदेड़ेंगे और हम लोगों पर दुनिया भर के आरोप लगाएंगे। सब ने यही कहा है, विधायक, शहर विधायक शैलेंद्र ने भी ये कहा है, कलेक्टर ने भी ये कहा है, हम लोगों ने भी ये कहा है कि ऐसी रास्ता निकालो कि आपकी गाड़ियां चलें, नए बस स्टैंड जो बनाए गए हैं उन पर आपत्ति कहीं से आना नहीं चाहिए। सुंदर बस स्टैंड है, ऑटो वालों से असुविधा है तो ऑटो वालों की असुविधा निपटाने का आश्वासन दिया है, अगर कोई सिटी बस से असुविधा है तो वो निपटाई जाएगी। कोई नया रास्ता निकालने के लिए कहा गया है, बस वालों ने कहा कि हमको 1-2 दिन का समय दो, हम सबको रास्ता निकालते हैं, उसमें पूरा का पूरा सहयोग हमारे शहर विधायक और कलेक्टर करेंगे, हम लोगों को सोचना है। बस हड़ताल जारी रहेगी या बंद हो जाएगी? देखिए, बस हड़ताल आज तक तो उनकी है, हमारा कहना है कि जनहित में बस हड़ताल वापस लो, जनहित जरूरी है। और मैं और कहना चाहूंगा, मैं फिर कहना अपनी तरफ से बात कह रहा हूं, आज शहर इस बात को जो हम लोग जनमत करा रहे हैं कि 70% यहाँ है, 30% यहाँ है, कल 20 शहर में 500 बसें चलेंगी, कोई खुदा ना खास एक्सीडेंट हो गया तो ये लोग किस पे दोष देंगे? सरकार पर। आज पूरे शहर का विकास हो रहा है, हर जगह नए बस स्टैंड बन रहे हैं, थोड़ी थोड़ी असुविधा शुरू शुरू में होती है लेकिन बाद में फिर वही व्यवस्था बन जाती है, सब लोग चलते हैं। मेरा सबसे कहना है, बस वालों से कहा है कि आप अपनी हट धर्मता मत दिखाओ, आप भी रास्ता निकालो, कलेक्टर से कहा है, कमिश्नर से कहा है कि आप भी रास्ता निकालो। और शहर वालों से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि अगर शहर में भीड़ भाड़ वाले एरिए में आप चाहते हो तो 500 बसें चलें, बच्चों को कुचलें, ट्रैफिक को जाम करें, रास्ता को जाम करें, तो स्थिति वैसे अलग है, तो रास्ता कोई निकालने को कहा है और रास्ता कोई निकलेगा, यही हमारी और शहर विधायक की चर्चा आज हुई। प्रदेश और शहर की हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल बुंदेली हलचल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।